नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पीएल न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर और 2000 विश्व कप में हीरो रहे युवराज सिंह ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय संन्यास का ऐलान कर दिया। मुंबई के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए यूवी ने इसकी घोषणा की। आगे वह आईसीसी से मान्यता प्राप्त विदेशी T20 लीग में फ्रीलांस करियर बनाना चाहते हैं। युवराज ने भारत के लिए 304 वनडे में 8701 रन बनाए हैं। यूवी ने साल 2000 में केन्या के खिलाफ वनडे में डेब्यू की थी और अपने आखिरी एक दिवसीय मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। युवराज ने अपना टेस्ट डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2000 में पंजाब में मोहाली के मैदान पर किया था और अपना आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में खेला था। यूवी ने 40 टेस्ट में 62 पारियों में 1900 रन बनाए हैं। 58 T20 मैच खेलते हुए युवराज ने 499 रन ठोके हैं। T20 में इंग्लैंड के खिलाफ यूवी ने 6 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया था। युवराज ने अपनी आखिरी T20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ बेंगलोर में खेला था। बता दें कि युवराज इस साल IPL में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते नजर आए थे, लेकिन उन्हें अधिक मौके नहीं मिल पाए। भारतीय टीम में उन्होंने वापसी करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। शायद यही कारण है कि वह अपनी भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। युवराज सिंह ने कैंसर के जूझते हुए भारत को 2011 के विश्व कप को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। दोस्तों, अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए।